हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं के खंड आ गणित 2022-23 की वर्कशीट क्रमांक 46 पर कार्य करेंगे। इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा की समझ को। उदाहरण इसमें दिया हुआ है, उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। बच्चों देखें और समझें, यहाँ पर 32 और 21 में गुणा करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊर्ध्व मतलब ये है 2 से 2 का गुणा और 3 से 1 का गुणा, तो 2 से 1 का गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पर आएगा। आपको चरण 1 में दिखाई इसमें दे रहा है, और ऊर्ध्व गुणा सीधे और तिरछा गुणा कर जोड़िए, ऊर्ध्व गुणा इस प्रकार से इसमें ऊर्ध्व गुणा इकाई स्थान में नीचे 2 लिखेंगे। चरण 2 में देखिए आप, तो चरण 2 में 2 से 2 का गुणा और 3 से 1 का गुणा, तो यहाँ 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 1 बराबर क्या करेंगे इसको, 4 धन 3, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 फिर धन है यहाँ पर, 3 एकम 3, 4 धन 3 बराबर 7। तो दाहिने स्थान पर उत्तर में 7 लिखेंगे। अब चरण 3 में इसी में देखेंगे हम, तो 3 में 2 का गुणा होगा, ऊर्ध्व गुणा है ये, तो 3 दूनी 6, सैकड़े के स्थान पर उत्तर में 6 लिखेंगे। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करने के लिए चरणवार हल करें। अब यहाँ देखेंगे हम, 32 में 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 672 आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमको ऊर्ध्व गुणा जो है करना है, इस प्रकार की वर्कशीट। इसके बाद देखेंगे वर्कशीट 47 पर ऊर्ध्व तिर्यक विधि पर अभ्यास प्रश्न है। अभी हमने उदाहरण के माध्यम से वर्कशीट 46 में देखा था, अब हमको अभ्यास प्रश्न इस वर्कशीट पर हल करना है। तो बच्चों देखेंगे प्रश्न 1, ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा कीजिए। देखिए आप, 42 में 22 का गुणा करना है, तो ऊर्ध्व तिर्यक के गुणा हम कैसे करेंगे, 2 में 2 का गुणा, 4 में 2 का गुणा, तो 4 गुणित 2 धन 2 गुणित 2, इस प्रकार 8 4 12, तो यहाँ पर 12 जो है, यहाँ पर 12 हमने देखा। फिर ऐसे हम कर लेंगे, 4 में 2 का गुणा और 2 में 2 का गुणा 4, तो इस प्रकार से जो है सेकंड नंबर का सवाल है। फिर 64 में 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर, यहाँ 924 आया और यहाँ जो है 1344 आया, लेकिन ऐसा करेंगे हम, 6 गुणित 1 धन 4 गुणित 2, तो 6 एकम 6 और 4 दूनी 8, 6 8 14, 14 जो है ऊर्ध्व गुणा है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम, 50 में 25 का गुणा करेंगे तो 1250 आएगा, लेकिन ऊर्ध्व गुणा में 2 गुणित 0 धन 5 गुणित 5, तो 2 धन 10 12 ऊर्ध्व इस प्रकार से इसमें आएगा। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, 70 में 30 का गुणा करेंगे तो 2100 आएगा, 3 गुणित 0 धन 7 गुणित 0, 3 धन 7 बराबर 10। इस प्रकार हमने इस वर्कशीट में कार्य किया। इसके बाद वर्कशीट 48 पर कार्य करेंगे, जिसमें आकलन 8 है, परिमाप क्षेत्रफल एवं ऊर्ध्व तिर्यक विधि के द्वारा इसमें हमको वर्कशीट पर कार्य करना है। प्रश्न 1 है, नीचे 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार खाने बने हुए हैं, दिए गए खानों में निम्नलिखित माप के भागों को छायांकित कीजिए। नंबर 1 6 वर्ग सेंटीमीटर, नंबर 2 12 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे वर्गाकार खाने में हमको क्या करना है, पहले में 6 वर्ग सेंटीमीटर हमको जो है छायांकित भाग करना, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 वर्गाकार कारखाने में हमने 6 खाने को हमने छायांकित कर दिए इस तरह।
इसके बाद सेकंड नंबर का है 12 वर्ग सेंटीमीटर, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर में इसमें 12 खाने जो हम जो है छायांकित करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरह आप भी कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दो। प्रश्न दो में क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इन सबको हम क्या करेंगे, इनका हमको जो है 1 धन 1 धन 2 धन 2 धन 1 धन 3 बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका आंसर टोटल परिमाप जो है आ जाएगा। अब उपरोक्त आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप कितना है 10 सेंटीमीटर, जो हमारा उत्तर आया है। पूरा हमने सबका टोटल कर लिए, जोड़ दिए, तो परिमाप हमारा निकल कर यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, उर्ध तिर्यक विधि द्वारा गुणा कीजिए। अब 25 में 26 का गुणा करेंगे तो 650 आएगा, 6 पंचे 30, ऐसे हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो उर्ध तिर्यक, यहाँ जगह कम होने के कारण हम पूरा इसको डिटेल से जमा नहीं पा रहे हैं, आप इस तरह आप कर लेंगे बच्चों। सेकंड नंबर का है 27 में 21 का, तो यहाँ पर 567 आया, तो ऐसे भी आपको कर लेना है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।